नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आप सभी का हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत सारी एडवांसमेंट्स की हैं, चाहे हम वो नई टेक्नोलॉजीज देख लें या नए नए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को पेशेंट्स का इलाज करने में बहुत ही आसानी हो रही है। ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आज के टाइम में हमारे पास हैं और आगे आने वाले बहुत सालों तक वो टेक्निक्स रहेंगी और उन टेक्निक्स में बहुत सारे एडवांसमेंट भी हो रही हैं। ऐसे ही एक टेक्निक जिसका नाम 3D बायोप्रिंटिंग है, जो कि फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंस जिसको कहा जा सकता है, उसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं, आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि मेडिकल साइंस में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जिसमें अगर हम बात करें बहुत सारे नए टेक्निक्स, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स, अगर हम वैक्सीन की बात करें, सो मेडिकल साइंस उस कंटेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा आगे तेज़ी से चल रही है। लेकिन अभी भी एक अगर हम सिनेरियो की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो एक कंसेप्ट है मेडिकल साइंस में, वो एक बहुत ही बहुत चर्चित एक टॉपिक है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को जैसे पता है, जैसे हम भारत देश की ही बात कर लें तो हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ग्रस्त हैं और बहुत सारी जिनको बीमारियाँ हैं, तो उनको ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑर्गन पर्याप्त मात्रा में भारत में ना हो पाना, और अगर वो ऑर्गन मिलते भी हैं तो समय से नहीं मिलते, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेशन का जो ये कंसेप्ट है, तो कैसे हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे 3D बायोप्रिंटिंग की। अगर हम बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की, तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है किडनी ट्रांसप्लांट की, क्योंकि बहुत सारे जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको ऑर्गन की ज़रूरत होती है, किडनी की ज़रूरत होती है, तो डोनर का मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मिल भी पाते हैं तो वो ऑर्गन्स जो हैं वो या तो उस पेशेंट के फाइनेंशियली वो नहीं ले सकते, और या हो सकता है उनको समय पर वो ऑर्गन ना मिले। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गन डोनेशन की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, जो हमारी कंट्री में अभी हम मेडिकल साइंस में फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें जो हम रिसर्च करते हैं मेडिकल साइंस के रिलेटेड, उसमें हम मॉडल ऑर्गेनिजम्स को, जैसे मॉडल एनिमल्स हैं, माइस हो गया, मंकीज़ हो गए, रैबिट्स हो गए, स्वाइन हो गए, इन एनिमल्स को हम एज ए मॉडल या टेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका यूज़ कर पाना, यूज़ करना इज़ नॉट दैट फीजिबल, नॉट गुड, लेकिन स्टिल वी आर वेस्टिंग दीज एनिमल्स फॉर द रिसर्च पर्पस ओनली। ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि एट प्रेजेंट हमें फेस करना पड़ रहा है। और साथ साथ जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लैब टू शेल्फ टाइम ऑफ द ड्रग्स, ये भी एक बहुत ही दुविधा और प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि कुछ ड्रग्स जो ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम जो होता है, आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे गेट एक्सपायर्ड। ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे ऑर्गन डोनेशन हो गया, रिसर्च पर्पज़ के लिए जैसे हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, या इन ड्रग्स की या मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनकी जो लाइफ है इसको, इन सभी को अगर हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो ऐसा क्या फ्यूचर में हम कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो उसमें अगर ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें, तो बहुत सारे उसमें अल्टरनेटिव्स हमने पाए। जैसे आपने प्रोस्थेटिक लेग के बारे में बिल्कुल सुना होगा। प्रोस्थेटिक लेग जो है वो आजकल आपने कई सारे ऐसे एथलीट्स देखे होंगे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से भी प्रोस्थेटिक लेग्स आ रही हैं। गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो कि ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो विकलांग हैं, उनको प्रोस्थेटिक लेग या प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स या हैंड्स उनको प्रोवाइड किया जाते हैं।
लेकिन एक और अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, जैसे अगर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करी जाए, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करी जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इतने सारे हमारे पास डोनर्स नहीं मिलते हमें, या टाइम से हमें वो डोनर्स नहीं मिलते. सो एक ब्रांच जो है, जो कि रिसर्च जिस पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और पिछले कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और फ्यूचर में भी हमें आशा है कि ये रिसर्च कामयाब होगी, वो है टिश्यू इंजीनियरिंग. ये ऐसा ही है जैसे हम किसी अपने ऑर्गन की बात करें तो उसका, उस ऑर्गन का एक टिश्यू हम इंजीनियर कर सकते हैं अपने तरीके से लैब में, ताकि उस टिश्यू को हम बिल्कुल, हम बात करें अगर जैसे ऑर्गन बिहेव करता है इन विवो, हम उस टिश्यू को इन विट्रो सिंथेसाइज करके टिश्यू इंजीनियरिंग के तरीके से हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. लेकिन ये जो रिसर्च है, ये वाला फील्ड जो है, इट इज़ स्टिल इन इट्स इन्फेंसी. तो और बहुत सारे ऐसे जैसे अगर हम बात करें टिश्यू एक्सेप्टेंस या ऑर्गन एक्सेप्टेंस की, वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो. सो अगर मैं आपसे ये चीज़ कहूँ कि अगर जैसे हम 3D ऑब्जेक्ट्स, आपने कोई भी देखा होगा, जैसे मार्केट में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़रीदते हैं जो कि 3D फॉर्म में आपको अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके डेकोरेशन का सामान हो जाए या आपके कटलरी हो जाए, तो वो आपको 3D में आपको वैसे इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. तो अगर मैं आपसे ये चीज़ कहूँ कि आप 3D में ऑर्गन्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल. बायो प्रिंटिंग, 3D बायो प्रिंटिंग एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम ऑर्गन्स को भी, जो इंटरनल ऑर्गन जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हमें पेशेंट्स के लिए, जिनको ये ज़रूरत होती है, हम उन ऑर्गन्स को ही उनको ऑर्गन्स को हम सिंथेसाइज करके 3D प्रिंटिंग के द्वारा उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उस पेशेंट में, ताकि वो पेशेंट जो हैं एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से उन ऑर्गन्स को एफर्ड कर पाएँ और उन्हीं के बॉडी के सेल्स को यूज़ करके हम वो ऑर्गन्स बना सकते हैं. दोस्तों, बात करें अगर बायो प्रिंटिंग की, तो ये एक ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम आगे आने वाले कुछ सालों में अपनी मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं. और जो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट की जो हमें प्रॉब्लम फेस अभी एट प्रेजेंट करनी पड़ रही है, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो सकती है, जिसके द्वारा हम कस्टम डिज़ाइंड जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनीज हैं, हार्ट हो गया या लिवर हो गए, इन ऑर्गन्स की जो ट्रांसप्लांटेशन है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम कस्टम डिज़ाइन तरीके से ही अपने ऑर्गन्स ये बना सकते हैं. सो ये एक ऐसी एडिटिव रीजनरेटिव मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसके द्वारा हम बायो कंपैटिबल मटेरियल यूज़ करते हुए, जैसे बायो इंक का यूज़ करते हुए या बॉडी के सेल्स को यूज़ करते हुए, एक पर्टिकुलर ऑर्गन की जो है सिंथेसिस हम कर सकते हैं. और जैसे कि बहुत सारे हमारे ऑर्गन, जैसे जिनको स्किन बर्न्स हो जाते हैं या जिन ऑर्गन्स की पेशेंट्स को सख्त ज़रूरत होती है, उन ऑर्गन्स को हम कस्टम तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिनसे उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ जाए. अगर 3D बायो प्रिंटिंग के स्टेप्स की बात करें तो बहुत ही ईजी इसके स्टेप्स हैं. इसमें सबसे पहले आप किसी पेशेंट का CT स्कैन या MRI स्कैन ले सकते हैं टू नो अबाउट द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ दैट टिश्यू और ऑर्गन जिसकी उस पेशेंट को ज़रूरत है. उसके बाद उस ऑर्गन का एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट लिया जाता है, जो कि हम एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हम उसको स्टोर करके रखते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी उस ऑर्गन के, जब ट्रांसफ़र उसको करना है हम उस पेशेंट में, तो कोई डिफेक्ट ना आए, इसके लिए हम उसको, इसका ब्लूप्रिंट लेना बहुत ही ज़रूरी है. उसके बाद जो बेहद ही इंपॉर्टेंट, हम एक मटेरियल कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज़ बायो इंक. बायो इंक बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिविंग सेल, जो उस पेशेंट के लिविंग सेल्स होंगे उनको हम यूज़ करेंगे, और कुछ सिंथेटिक मटीरियल्स लाइक जिलेटिन, कोलेजन, उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दो सेल्स इनटू टिश्यूज एंड देन इनटू ऑर्गन्स. फिर हम उस बायो इंक को, जो हमारा सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है, और जो ऑर्गन का हमारे पास ब्लू प्रिंट है, उसके साथ कोलेबोरेट करके 3D बायो प्रिंटर के द्वारा और बायो इंक के द्वारा हम उस ऑर्गन को स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं मेनिस्कस, एक कार्टिलेज है जो हमारे घुटनों में प्रेजेंट होती है, अगर मान लीजिए किसी एक
इंसान में अगर नी जक आ जाता है या ऐसी उसमें नी की इंजरी होती है जिसकी वजह से ये जो मेनिस्कस है ये इंजर्ड वो हो जाता है या वो ब्रेक हो जाती है, तो हम इस मेनिस्कस की भी क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस बायोप्रिंटर के द्वारा, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे उस मेनिस्कस से जो सेल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बाद में हम उसको बायो इंक की फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे, जिसके द्वारा हम उस मेनिस्कस को उसी 3D बायोप्रिंटर के थ्रू हम उसको सिंथेसाइज करके उसी पेशेंट में दोबारा से डाल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस बायोप्रिंटर वर्क्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन और सिंथेसिस ऑफ अ न्यूली न्यू ऑर्गन जो कि उस पेशेंट में दोबारा से कंपैटिबल तरीके से हम उसमें डाल सकते हैं। अगर बात करें हम बायो प्रिंटिंग के टाइप्स की, तो इसमें 3 मेजर टाइप्स जो हैं सबसे ज़्यादा एट प्रेजेंट यूज़ की जा रही हैं। इसमें सबसे पहले एक्सट्रूशन बेस्ड बायो प्रिंटिंग है, देन कम्स द इंक जेट बेस्ड बायो प्रिंटिंग और उसके बाद लेज़र असिस्टेड बायो प्रिंटिंग है। और अगर बात करें हम इन तीनों बायो प्रिंटिंग के मेथड्स की, इसमें जो एक्सट्रूशन बेस्ड बायो प्रिंटिंग जो है ये बहुत ही एक आसान तरीके से हम इसमें ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। मैं इसके बारे में डीप में अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर हम बात करें एट प्रेजेंट इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें बायो प्रिंटिंग की, तो नो डाउट इंडिया ने भी इस रिसर्च फील्ड को बहुत पॉजिटिवली लिया है और बहुत ही कम समय में हमने बहुत सारी रिमार्केबल अचीवमेंट्स इस फील्ड में हमने अचीव की हैं। अगर बात करें IIT दिल्ली और कानपुर की, ये दो ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में जिन्होंने, जहाँ के साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स ने रिसेंटली क्या किया, उन्होंने बोन का एक ट्रांसप्लांट कंस्ट्रक्ट किया था किसी एक पेशेंट का, जिसकी वजह से वो इस समय एक दो साल पहले वो सुर्खियों में थे। और बहुत सारे हमारे कंट्री में प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बायो प्रिंटिंग को एज अ रिसर्च टॉपिक ले रहे हैं और रिसर्च साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं और दिलचस्पी रखते हैं इसमें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, चाहे वो बैंगलोर से हो, त्रिवेंद्रम, न्यू दिल्ली से, जैसे IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है और IIT बॉम्बे है, ये ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 3D प्रिंटिंग के ऊपर बहुत सारा रिसर्च वर्क कैरी आउट कर रहे हैं। अगर हम विश्व वर्ग की बात करें, तो जो मेजर पाइनर है 3D बायो प्रिंटिंग का, उनका नाम है ऑर्गेनोवो। ये एक 3D बायो प्रिंटिंग कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली, ये न्यूज़ में भी थे क्योंकि इन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांट मिनिएचर फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया था जो कि एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। ऑर्गेनोवो एक ऐसी एजेंसी है वर्ल्ड वाइड जो 3D बायो प्रिंटिंग मशीन्स और ये ऑर्गन्स को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें 3D बायो प्रिंटिंग के, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव है और आगे आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम 3D बायो प्रिंटिंग इस फील्ड में हम फेस कर रहे हैं। इसमें एक मेजर जो इशू है वो है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको समझने में, इसको और स्मूदन और सिंप्लीफाइड करने में थोड़ा समय लगेगा, और क्योंकि बहुत सारे एथिकल इश्यूज, क्योंकि हम कोई ऑर्गन जो है नेचुरल तरीके से नहीं बना रहे, हम उसको बॉडी के बाहर होके वो उसकी सिंथेसिस करके फिर बॉडी में उसको ऐड अप कर रहे हैं, सो दैट क्रिएट्स एन एथिकल इशू लोग, जो कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं सॉल्व होंगे और 3D बायो प्रिंटिंग जो है फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंस हम उसको बिल्कुल एप्टली कह सकते हैं। अगर बात करें भारतीय सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये ऐसी दो पाइनर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। सो बहुत सारी ऐसे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ये फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें से जैसे एक एजेंसी बायरेक जो अभी इनोवेशन को या स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हमारी कंट्री में हैं। सिर्फ यही ज़रूरत है कि इस कंट्री भारत में हमें इसको कैसे और बायो प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, कैसे इसको इनोवेशन के तरीके से हमें एक सिंप्लीफाइड तरीके से और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम ऑर्गन्स को कंस्ट्रक्ट करें, सिंथेसाइज करें, ताकि इन फ्यूचर ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांट का जो एक प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमें ना फेस करना पड़े। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक में हमने बायो प्रिंटिंग के बारे में बात करी। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर और टॉक अच्छा लगा होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके।
आगे किसी एक टॉपिक पे दोबारा से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। द बीट्स फॉर यू नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ। बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। सब्सक्राइब बीट्स यूट्यूब चैनल, लाइक फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। विजिट इट्स वेबसाइट द बीट्स फॉर यू .com।